सर अगर बात करें फर्स्ट 1000 डे अप्रोच की, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? सर फर्स्ट 1000 डे अप्रोच हमने 2018 में अपने क्लिनिक पे स्टार्ट किया। ये वर्ल्ड रेनाउंड अप्रोच है, जहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं, अगर हर फील्ड में है एक्चुअली, बट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की बात करें तो हमने इसको लिया है, जहाँ पे हम 20th वीक की जो सोनोग्राफी टारगेट स्कैन एक गर्भवती महिला की होती है, वहां से हम फेस स्कैन शुरू करते हैं। बच्चे का गर्भ में पोजिशन को भी हम चाहते हैं कि मॉनिटर करा जाए, उसकी हिस्ट्री रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि ये सारी चीजें पॉस्चुरल हैं। पॉस्चर का फेस के और बॉडी के किसी भी अंग के डेवलपमेंट पे बड़ा असर है, और पॉस्चर अगर सही होगा तो बच्चा हमेशा अच्छे से फंक्शन करेगा। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, हम कार तो सभी चलाते हैं और उसमें अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी ही रहती है और उसे हम दुरुस्त कराते रहते हैं, तो वैसे ही हमें चाहिए कि हमारे बच्चे का पॉस्चर शुरू से ही अच्छा हो, और ये अप्रोच उसी लिए की गई है। इसी में फंक्शनल डेंटिस्ट्री भी हमने ली है। जैसे ही बच्चा गर्भ डिलीवर होता है तो सबसे पहले हम लोग उसका स्क्रीनिंग करते हैं, हम ये श्योर करते हैं कि बच्चा ब्रेस्ट फीड अच्छे से कर पाए। अगर वहां डिफिकल्टी है तो लैक्टेशन कंसल्टेंट और पीडियाट्रिशियन अप्रोच करते हैं क्लिनिक पे, फिर हम उनकी टंग असिस्मेंट करते हैं, टंग अगर टाइड है, एंटीरियर और पोस्टीरियर जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी देखी जाती है। तो मेरा एक ये भी है कि अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ माँ की गलती या माँ की कमी होना ऐसा नहीं है। करीबन 25% बच्चों में ये मसल की टोनिसिटी ना होने की वजह से भी बच्चा मिल्क नहीं ले पाता है, तो वहां हम सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर उसके बाद फीडिंग जब बच्चा स्टार्ट करता है उस पर फोकस कर रहे हैं, जब टीथिंग आती है तब फोकस कर रहे हैं, फ्लोराइड वार्निश के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं ताकि कैविटीज से बचे, ओरल पॉस्चर्स के ऊपर फोकस करें ताकि बच्चा मुंह बंद करके रखे और ड्राइनेस ना हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर खुली चीज अगर हमने कहीं रख दी है तो उस पर मक्खी भी बैठेगी, मच्छर भी बैठेंगे और वो ड्राई भी होगी। सिंपल सी मिठाई अगर खुली रह जाएगी तो वो कड़क हो जाएगी, वो खराब होने लगेगी। वैसे ही जब दांत अगर खुले रहेंगे, माउथ ब्रीथ करेंगे, तो वो खराब होंगे। और हम इम्फेसिस करते हैं बॉटल फीडिंग को डिस्करेज करने के लिए। बॉटल फीडिंग कतई भी फिजियोलॉजिकल नहीं है। पेरेंट्स को आजकल बहुत ईजी हो गया है बच्चों को घुटा पिसा खिलाना, स्पून फीडिंग को हम डिस्करेज करते हैं। बच्चे को चाहिए कि एक साल की उम्र पे पूरी फैमिली में जो खाना बना है वो उसे लेना चाहिए, ऐसी अप्रोच है। बट ओवर पजेसिव मदर्स और न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा या हाईली प्रोसेस्ड फूड की वजह से हम बच्चों को वो फूड दे रहे हैं जो कि प्योरे फॉर्म में है, इजी टू मगअप है। बच्चे आजकल चबाना खाना चाहते ही नहीं है, उन्हें अगर कोई चबाने वाली सलाद दे दी जाए तो वो चलाना ही नहीं चाहते, और जब ये नहीं चलाएंगे तो अगेन मसल्स का फंक्शन नहीं होगा, जॉ डेवलप नहीं होगा, और फिर दांत टेढ़े मेढ़े और फेस लंबे जाएंगे। तो अभी आज की जनरेशन में देखें तो सभी के फेस लंबे होते जा रहे हैं, जिसको मेल्टिंग डाउन ऑफ फेस बोल रहे हैं, नाक तीखी होती जा रही है, सुकुड़ती जा रही है, तो एयरवेज कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, हम थोड़ा सा रन करते हैं तो हाँफने लगते हैं, तो हमारा अपर एयरवे का जो वॉल्यूमेट्रिक जो एरिया है वो भी कम होता जा रहा है, जिसको श्रिंकिंग ऑफ जॉस के बारे में भी हम बात करते हैं। सब चीजें, सारे कीवर्ड्स पेरेंट्स को चाहिए कि गूगल पे या कहीं पे भी अपने सोर्सेज पे सर्च करें, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्लिनिक के ब्लॉग्स भी हैं, सब चीजें हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सारी बातें।